तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को, बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो उतने में उसे पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो वो जो देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे डबल से कोई जिंदगी मिल गई है नई। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नजर अपने लेफ्ट में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ, राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था, और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, मुझे वैसे भी तो मरना ही है तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे की लगी हुई वो पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चुक कर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है, जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी इन प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, आपको नहीं डरना है और नहीं घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है, घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेंगी, कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेंगी। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।